जींद जिले की जुलाना तहसील को मुआवजा नहीं मिलने के चलते संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा व समस्त जुलाना किसानों ने जड़ा ताला। खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलने पर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा व समस्त जुलाना किसानों ने आज तहसील को ताला जड़ दिया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। जुलाना तहसील परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला उपप्रधान नरेंद्र ढांडा द्वारा की गई। मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र ढांडा ने कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते किसानों को आर्थिक संकट से होकर गुजरना पड़ रहा है। किसानों की हितैषी बताने वाली सरकार किसानों के चक्कर कटवा रही है। भाजपा सरकार को किसानों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। अगर किसानों की चिंता होती तो अब तक किसानों को मुआवजा मिल गया होता। गेहूं की जली फसल का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। जल भराव से खाली रहे रकबे का भी किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जिसके चलते किसानों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि जब तक उन्हें खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलता, वो हर रोज तहसील कार्यालय पर धरना देंगे। आज कार्यक्रम ये है मुआवजा का, जो फसल खराब बा, जल भराव, आगजनी से नुकसान हुआ था जमींदारों का, वो मुआवजा सरकार अब तक दे नहीं रही। जुलाना तहसील ऐसी है जो मुआवजा नहीं मिला, हर एक जगह मुआवजा मिल गया। तो तहसीलदार को पहले एक हफ्ता पहले एस्टिमेट दिया था, अगर इसका ताला लगा दें मुआवजा दे दो। तहसीलदार साहब आज नहीं होगा, शाम तक मेरे खाते में पीछे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे तो उठ जाएंगे, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक नहीं उठाएंगे। ताला तो लग दिया है, ताला तो काम हो पाता खुले आ रही, बाद में बाहर जाओ ताला लग जाओगे आराम से खोल लेंगे। ये मुआवजा आ जाएगा तो ताला खोल देंगे। बैठे हैं कितने दिन चल जाओ। ये फसलों का मुआवजे के लिए, जली हुई फसल के मुआवजे के लिए और बाढ़ ग्रस्त इलाके के मुआवजे के लिए, और तहसील को आज हमने ताला लगा दिया है। कब तक खोलोगे? जब तक तहसीलदार या SDM आकर के ये हमारे खातों में, किसानों के खातों में पैसे नहीं डाल देते, तब तक हम ये ताला नहीं खोलेंगे। बिल्कुल लगा रहेगा। कितने गांव में किसान? ये हमारे पूरे जुलाना ब्लॉक के सभी गांव से किसान आए हुए हैं और आने ही लग रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो फसल मुआवजा है, तीन फसलों का मुआवजा, जो जल भराव का, कपास का और आगजनी से जो फसल जली थी उसके लिए, हमने एक हफ्ते पहले वीडियो तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया था। उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया था कि जो आपका फसल का मुआवजा कपास का, वो तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, और इसकी हमने कार्रवाई कर दी गई है। जबकि जल भराव का में तीसरी फसल खराब हो ली, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यहाँ पर जो कपास का है वो सभी तहसीलों में मुआवजा बढ़ चुका है, लेकिन हमारी जुलाना तहसील है सबसे कम मुआवजा बनाया गया है, उसके बावजूद उस मुआवजे को बांटा नहीं जा रहा। पिछले 1.5 महीने से मुआवजा SDM साहब के अकाउंट में है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। जुलाना क्यों तहसील को लावारिस समझा जा रहा है, यहाँ के किसानों को लावारिस समझा जा रहा है और मुआवजे से वंचित रखने की एक साजिश रची जा रही है सत्ता और प्रशासन के द्वारा। इसलिए हमने ये पक्का धरना लगा दिया है, जब तक फसल का मुआवजा किसानों के अकाउंट में नहीं आ जाता, खातों में नहीं आ जाता, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे और परमानेंट इस तहसील को ताड़ा मार के यहीं पर बैठेंगे। परमानेंट यहीं पर पक्का थोड़ी देर में टेंट लगाने का काम करेंगे।